से डॉक्टर ने मेरा कीमो किया था, कैंसर का इलाज किया था, तो उसी वजह से ये मतलब उसी दवाई के साइड इफेक्ट से ये मेरा पूरा शरीर ही डैमेज हो गया। उससे पैरालिसिस भी हो गया और दोनों चूंकले भी डैमेज हो गए थे और ये लिवर भी मेरा डैमेज हो गया सर। 10,000 का महीने दवाई, 5 लाख रुपया, कोई आमदनी का सोर्स नहीं, तो कितना मुश्किल हो रही है। बच्चे भी पढ़ाए स्कूल, बच्चे ने भी कोई उन्हीं पहले पहले होते रहे, कहीं कर लेते मदद भाई, बच्चे पेंसिल कापियां नहीं। ऑपरेशन करवाना, जो पैरालिसिस की दवाई खा रहा हूँ सर, कुछ मीडिया ने मेरी मदद की थी, तो आज उस मीडिया की वजह से ये मेरी जो 10,000 की दवाई आती है महीने की, वो तो उससे मेरा इलाज चल रहा है। तो सर ये डॉक्टर ने अमनदीप वालों ने लिख के दिया है कि दोनों चूंकले जो इनका 5 लाख रुपया सर जो लिख के दे दिया डॉक्टर ने, तो 5 लाख रुपया होगा तो सर मेरा ये चूंकलों का ऑपरेशन होगा सर। बस ये गल आखनी है भाई, इनका ऑपरेशन कराना, इनकी थोड़ी थोड़ी भाई हेल्प कर, इनका ऑपरेशन हो जाए ठीक ठाक हो जाए, बस यही अपील करनी, सारी मदद करो। एक गरीब बेबस लाचार शख्स जो है, उसे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। ये वीडियो और उसकी आवाज़ भी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, उसको क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, उसके मुख से आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, आप इस वीडियो को शेयर कर भी मदद कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप पैसे से उनकी मदद नहीं कर सकते, तो आप शेयर से मदद जरूर कर सकते हैं। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। रशपाल चंद जी इनका नाम है। इस समय ये गाड़ी में जम्मू पहुँचे हैं, इलाज के लिए यहाँ आए थे, वापिस जा रहे हैं। रियासी से भी दूर दराज इलाका है, यहाँ के ये रहने वाले हैं। कई दिनों से ताल्लुकात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन हम इन तक पहुँच नहीं पा रहे थे। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या तकलीफ है और क्या कहना चाहते हैं मीडिया के जरिए आम लोगों को। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रशपाल है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम रियासी के रहने वाले हैं, गांव पट्टा टाली मोड़ के। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आज आप जम्मू पहुंचे थे, क्यों आए थे? सर हम दवाई लेने के लिए गए थे पैरालिसिस की। अच्छा। तो वो लेके आए हैं, मेरे दोनों चूंकले खराब हैं सर। अच्छा। ये चूंकले भी काम नहीं करते हैं और पैरालिसिस भी है। कब से प्रॉब्लम है जी आपको? जी सर मुझे 13 साल हो गए हैं अब। हाँ जी 13 साल हो गए हैं बीमार बेड पर ही सर। 13 साल से आप इस प्रॉब्लम से जो है वो पीड़ित हैं? जी जी, पहले सर मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। तो उससे डॉक्टर ने मेरा कीमो किया था, कैंसर का इलाज किया था, तो उसी वजह से ये मतलब उसी दवाई के साइड इफेक्ट से ये मेरा पूरा शरीर ही डैमेज हो गया। उससे पैरालिसिस भी हो गया और दोनों चूंकले भी डैमेज हो गए थे और ये लिवर भी मेरा डैमेज हो गया सर। पूरा शरीर ही डैमेज, कुछ नहीं बचा हुआ सर। मेरी मरने मेरी बचने की उम्मीद ही नहीं थी सर, ऐसी बुरी हालत हो गई थी सर। आप ही जाना चाहूँगा, अभी आप इलाज करवा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं, किस डॉक्टर से करवा रहे हैं जी, जाना चाहूँगा सर। ये मैं अमनदीप दिखा रहा हूँ जी सर, ये डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि इसका जो ऑपरेशन करवाना, जो पैरालिसिस की दवाई खा रहा हूँ सर, कुछ मीडिया ने मेरी मदद की थी, तो आज उस मीडिया की वजह से ये मेरी जो 10,000 की दवाई आती है महीने की, वो तो उससे मेरा इलाज चल रहा है। तो सर ये डॉक्टर ने अमनदीप वालों ने लिख के दिया है कि दोनों चूंकले जो इनका 5 लाख रुपया सर जो लिख के दे दिया डॉक्टर ने, तो 5 लाख रुपया होगा तो सर मेरा ये चूंकलों का ऑपरेशन होगा सर। तो हर महीने आपकी 10,000 की दवाई आती है? जी जी सर, 10,000 की दवाई आती है। तो मीडिया का सारा मिला था मुझे, बहुत मीडिया ने ही मुझे मेरी मदद की थी। आज जो 10,000 की दवाई जी की मीडिया की मदद से ही मेरी चल रही है। बच्चे आप शादीशुदा हैं, बच्चे कितने हैं? सर बच्चे मेरे 2 लड़कियां, 1 लड़का है। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ पढ़ाई कर रहे हैं सर। जो बेटा है वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो बेटी एक 8th क्लास में, 1 6th क्लास में पढ़ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आयुष्मान कार्ड जो है, गोल्डन कार्ड जिसे कहा जा रहा है, उसमें 5 लाख तक का जो है इलाज हो रहा है फ्री में। आपका बना है क्या? क्या अमनदीप हॉस्पिटल जो है उसके अंदर नहीं आता, जो डॉक्टर है वहाँ पर नहीं कर रहे इलाज आपका? नहीं सर, जो आयुर्वेदिक खा रहा हूँ उसमें भी ये नहीं चलता है। अच्छा। तो जो अमनदीप वाले उन्होंने भी मना कर दिया, ये नहीं जहाँ पे चलेगा। तो आप किसी और डॉक्टर या किसी और अस्पताल में आप पहुँचते, क्योंकि आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। 5 लाख का तो ऑपरेट तक का तो खर्चा सरकार खुद दे रही है लोगों को। जी जी सर, इसकी कोई मुझे आज तक इसकी कोई आयुष्मान की मुझे कोई मदद नहीं मिली है, कहीं नहीं मिली है। नहीं मिली है सर, जो आयुर्वेदिक में उसमें भी नहीं, इसमें भी सर कोई नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि 5 लाख रुपया होगा तो आपके ऑपरेशन होगा।
तो वो क्या बोलते हैं कि 5 लाख में ऑपरेट करेंगे, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, चल पाएंगे अपने पाँव पर जैसे चलते थे पहले। हाँ सर, वो तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कर देंगे हम, तो चलने की गारंटी तो कोई पता नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई पता नहीं है। अभी ये खत्म हो गया दोनों चुंकले सर। अभी आप अपनी टांग को हिला नहीं पाते? नहीं सर, टांगे जी जहाँ से शरीर पहले तो बिल्कुल नहीं काम करता था सर, पहले पैरालिसिस भी हो गया था बिल्कुल, लीवर भी डैमेज हो गया था, रोटी भी नहीं खा सकता था, उल्टी आती थी देख के। तो उसकी जो कीमो की थी उसकी वजह से सब कुछ हुआ, जो कैंसर की दवाई चढ़ाई गई है मुझे। अब बच्चे और परिवार का किस तरीके से खर्चा चल रहा है, कमाने वाला कौन है घर पे, पैसे रोजगार का साधन क्या है? सर रोजगार का साधन कोई नहीं है, 12-13 साल हो गए हैं अब मैं बेड पर हूँ, कमाने वाला ही मैं था, अब कोई कमाने वाला नहीं है। जे मेरा बेटा आया हुआ मेरे साथ, जे छोटे छोटे बच्चे, कमाए का कोई साधन नहीं है। 1000 रुपया सिर्फ पेंशन मिलती है मुझे, बाकी उसके अलावा कोई मेरा कोई कमाई नहीं है, कोई साधन नहीं है कोई। क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे, ये कैमरा सामने है, आम जनता आपको देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करोगे, किस तरीके की मदद आप लोगों की करें? सर मैं यही अपील करूंगा कि अगर लोग मेरी मदद करेंगे तो मेरी जान बच जाएगी, नहीं तो मैं नहीं सर बचना हूँ। पहले मेरी बड़ी बुरी हालत हो गई है, मेरा ये पूरा शरीर ही डैमेज हो गया सर, मैं हर महीने की 10,000 की दवाई भी एक मीडिया की मदद से खा रहा हूँ। तो आज मेरे चुंकलों का अभी डॉक्टर ने बोला है कि 5 लाख रुपया होगा तो आपका ऑपरेशन होगा, तो लोग मेरी मदद करेंगे तो फिर ही सर मेरी जान बच सकती है, नहीं तो मेरी बड़ी बुरी हाल है सर, मैं नहीं बच सकता हूँ। ये तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये रशपाल चंद जी हैं, रियासी से आगे के रहने वाले हैं, गांव पड़ता है वहाँ पर, दूर दराज इलाके के हैं। किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम लाइफ में आई, और जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बॉडी थेरेपी जब करवाते हैं, जब जो मेडिसिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, उसके बाद रिएक्शन हो जाता है पूरी बॉडी में, रिएक्शन की वजह से इनकी बॉडी जो है वो सुन पड़ती है, फिर बाद में पैरालाइज अटैक होता है, और आप इनके दोनों जो हिप एरिया है, लेफ्ट और राइट और दोनों हिप एरिया जो है वो काम करना बंद कर चुका है, और कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता है। 10,000 रुपया महीना इनकी दवाई है, बाकायदा पूरी फाइल इनके पास है, और इनका मोबाइल नंबर भी हम डाल देंगे, इनका अकाउंट नंबर भी डाल देंगे। अगर आपके पास कोई भी जरूरतमंद है, आपके सामने मांग कर रहे हैं, अगर आप जितना भी बन पाए इनकी मदद जरूर करें, अगर आप मदद नहीं कर सकते कम से कम शेयर जरूर कर दें। जितने भी एनजीओ इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आप इनसे संपर्क करें, वहां पहुंचे, आप इनके घर की सिचुएशन देखें, इनको देखें, जितना हो सके थोड़ा थोड़ा कर अगर आप मदद करेंगे तो कम से कम, अगर आप ऑपरेशन के पैसे नहीं, कम से कम दवाई के महीने के पैसे जो है इनको करके जरूर दे सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों के हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप जम्मू वासी होने का और इंसानियत का फर्ज निभाएंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, और साथ में इनकी मदद है वो भी जोड़ करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नीलम देवी। तुम्हें क्या लगते है? मेरे घर वाले प्रॉब्लम हुई नहीं, इन्हें 10-12 साल हो गए प्रॉब्लम हुई। ओया क्या हंदे कने एक इन्हें स्किन प्रॉब्लम हुई, ओदा बाद च समझो कि बेड पर पई है, इन दवाई चढ़ाई, स्किन ने दवाई चढ़ाई दी, ओदी वजह कने इन दे दोनों चिंकले खराब हो गए। फिर बेड पर रहे, फिर बड़ी मुश्किल बड़ी परेशानी आई, बच्चे इये कमाने वाले हे, फिर बच्चे भी फाके लगने लगे, बच्चे पढ़ाई बिच भी असें बिच जाना, बच्चे बिच नहीं जाना, ये बड़ी परेशानी आई थी। अस कियां अस पहले बड़ी मुश्किल करने इयां मंगी मंगियै पैसे किट्ठे करने, फ्ही इंदी कोई दवाई आननी, फ्ही बिच त्रुट्टी जानी 4-5 महीने, फ्ही परतियै उ'ऐ नेही बमारी बधी जानी, फ्ही इयां परेशान गै होई गे, नहीं बच्चे कुछ खाने वास्तै, ना बच्चे पढ़ाने वास्तै, इयां परेशानी गै बनी। इयै कमाने आह्ले हे, ओह्दे बाद च फ्ही असें इ'यां मीडिया आह्ले कोई फोन कीता है, इन्हें करदे रेह बिच बिच फोन, ते ओह् इक दिन आए, फ्ही उ'नें थोड़ी मदद कीती साढ़ी, स्टोरी कीती, ओह्दे बाद च थोड़ी मदद होई, थोड़ी चलो इ'नें दवाई 5-6 महीने दवाई खाई लैती, हले बी चलो उं'दे ओह्दे बिच गै खा ने पैसे बिच दवाई आह्नाने आं। हून ऑपरेशन कराना बड़ी परेशानी है, 5 लाख रुपया डॉक्टर ने मंगे दा, कुत्थों आह्नना, केह् करना, में बच्चे पढ़ा चाहे में केह् करां, बड़ी परेशानी बिच आई दी आं, में इक कल्ली जनानी में केह् करी सकनी, पैह्ले बड़े मंगी मंगियै में बड़े किट्ठे कीते पैसे, बड़ी दवाई इंदी आंदी, हून में परेशान होई गेदी, में इंदा कि'यां ऑपरेशन करां, साढ़े इ'यै कमाने आह्ले इ'यै बैड पर पेई दे न, इन्नी परेशानी है, इ'यां दुखी होंदा दिल, भाई हून केह् करचै, हून फ्ही इ'नें
आज 4-5 दिन होइए तुसें फोन करदे, अज तुस चलो आए, थोड़ी सारी हेल्प करो, अस बड़े परेशान आं, कि'यां इंदा असें ऑपरेशन कराना, कि'यां इलाज कराना। किन्ना मुश्किल आ दी 10,000 रुपया महीने की दवाई, 5 लाख रुपया कोई आमदनी का सोर्स नहीं, तो किन्ना मुश्किल हो रही है। बच्चे भी पढ़ा दे स्कूल, बच्चे ने भी कोई उन्हें पहले पहले आते रहे, कई कर लेंदे मदद भाई, बच्चे पेंसिल कापी नहीं, हूँ कोई भी नहीं करता, हूँ ये परेशानी है। चलो ये ठीक हो जाएंगन, सब कुछ चलो अपने बच्चे पाल भी सकन, रुटिया ग्रा भी दे सकन। चलो अगर तुंदी कोई मदद करना, तुसे लोग दिखो, बड़े लोग दिखाए तो उन्हें थोड़े दुख दर्द थोड़े कोल तो नहीं आई सकते, लेकिन फोन के जरिए तुम दिखा देना उन्हें कि आगे लोगों की, लोगों ने क्या आगे कि थोड़ी मदद करनी, दसो। अस इये गल आखने भाई इंदा ऑपरेशन कराना, इंदी थोड़ी थोड़ी भाई हेल्प करन, इंदा ऑपरेशन हो जाए ठीक ठाक हो जाए, बस इये अपील करनी, सारी मदद करो। अरोरा के साथ शुभम लगे बहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद। के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। तो चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।